ये है सेठ हीराचंद और दूध वाला भोलू। और भाई भोलू, क्या हाल है? काम कैसा चल रहा है? काम धंधा तो ठीक ही चल रहा है साहेब, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, गाय भी आजकल दूध कम दे रही है, रेरी लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, पुलिस वाले तंकल से लेते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, चल जाएगा। अरे भोलू, तू बहुत भोला है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ला मेरा रोज वाला 1 किलो दूध दे, पैसे हिसाब में लिख लेना। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतने साल हो गए भोलू से दूध लेते हुए, आज तक कभी वजन चेक नहीं किया, चलो आज चेक कर देखता हूँ। हैं? नहीं, ये क्या 800 ग्राम, ये तो 1 किलो होना चाहिए था। इसका मतलब भोलू मेरे साथ बेईमानी कर रहा है? नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता, पर मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी। भोलू तू तो अब गया, मैं अब सरपंच के पास जाता हूँ और फिर भोलू की बैंड बजाता हूँ। भोलू तू तो गया। नमस्ते सेठ जी, नमस्ते सरपंच जी। अरे भोलू के हाल है, बहुत बेईमानी कर रहा है आजकल। सेठ जी कह रहे हैं कि तूने 1 किलो के बदले में 800 ग्राम दूध दिया, क्या धांधली कर रहा तू? नहीं नहीं सेठ जी, मैं और बेईमानी, मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या सेठ जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, क्या मैंने खुद अपने हाथों से तोला है इसको, 1 किलो के बदले 800 ग्राम ही निकले हैं। अपनी गलती मान ले, नहीं तो तुझे को गांव से निकाल दूंगा, सुधर जा। मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया, गाय की कसम खाता हूँ। सरपंच जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या किसी के साथ बेईमानी करूँगा। अभी भी नहीं मान रहा तो जा अपनी मशीन लेकर आ, अभी दिखाता हूँ तेरे सामने। मेरे पास तो कोई तोलने वाली मशीन नहीं है। सेठ जी, मैं तो आपकी दुकान से ही किराने का सामान लेता हूँ, आपसे लिए हुए 1 किलो आटे से 1 किलो दूध तोल लेता हूँ। इसका मतलब आपका आटा भी 800 ग्राम था। देख लिया सेठ, बेईमानी तो तू कर रहा था, इल्जाम भोलू पे डाल रहा था। भोलू जैसे कितने लोगों को लूटा है तूने, और इल्जाम डाल रहा भोलू पे, इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।